इंदौर शहर के निजी स्कूलों की बढ़ती फीस से परेशान होकर अभिभावकों ने कैंपस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। चमेली देवी पब्लिक स्कूल मानकबाद कैंपस के बाहर आज नारेबाजी कर मांगे रखी गई। अभिभावकों का कहना है कि हमें बताएं स्कूल में वास्तविक खर्चे कितने हैं और उसी अनुसार हम फीस देने को तैयार हैं। इसी मुद्दे को लेकर स्कूल के मालिक अग्रवाल से मुलाकात भी करना चाहते हैं। मालिक का महिलाओं का कहना है कि स्कूल तो लॉकडाउन की वजह से कई दिनों से बंद थी, फिर स्कूलों को पूरी फीस क्यों दी जाए। आगे कहा कि ऑनलाइन क्लास लगाने से बच्चों की पढ़ाई में अधिक मन नहीं लगता एवं हाथ में मोबाइल होने की वजह से उनका मन भटकता है। इन्हीं मांगों को लेकर अभिभावक कैंपस में बाहर बैठे रहे और मांगे पूरे नहीं होने तक धरना दिया। पालक चाहते हैं कि स्कूल प्रशासन हमें बताए कि स्कूल में वास्तविक खर्चे कितने हैं, इसके अनुपात में हम फीस देने को तैयार हैं। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह और अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। देखिए, हम लोगों की फीस को लेकर तो डिमांड है ही सही। इसके अलावा हमारे लिए अभी एक ज्वलन मुद्दा ये है कि हम जिन अभिभावकों के बच्चे 9वीं से लेकर 12वीं तक इस स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको अपने बच्चों का CBSE रजिस्ट्रेशन कराना है। इस CBSE रजिस्ट्रेशन का स्कूल की फीस से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, पर इसकी आड़ में सभी स्कूलों के प्रशासन बच्चों पर और उनके अभिभावकों पर ये दबाव डाल रहे हैं कि जब तक आप स्कूल की फर्स्ट क्वार्टर की फीस नहीं जमा करते हैं तब तक हम आपके बच्चे का स्कूल से CBSE रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। और अगर बच्चे का स्कूल से CBSE रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो बच्चा एग्जाम से वंचित रह जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने की बात स्कूल प्रशासन कर रहा है, और इस आड़ में पालकों पर बच्चों पर दबाव डालकर वो फीस अपनी मनमानी फीस वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, जब तक उच्च न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता तब तक इस तरीके से दबाव बनाना किसी भी पालक के ऊपर ये अन्याय है और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि स्कूल प्रशासन बच्चों से बगैर स्कूल के 2 क्वार्टर की फीस लिए उसका कम से कम CBSE रजिस्ट्रेशन समय पर करें ताकि वो अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे। प्रशासन से भी आपने कुछ मांग की, मतलब कलेक्टर महोदय से भी हमने इस विषय में बात करी है, हमने शिक्षा अधिकारी से भी इस विषय में बात करी है, हम माननीय कमिश्नर साहब से भी इस मामले में 2 दिन मिलके आए, सब कुछ किया हमने। उनका क्या कहना है इस मामले पर? उन्होंने इस मामले में हमको बोला कि आप लिखित में शिक्षा अधिकारी वगैरह को ज्ञापन दीजिए, तो हमने वो दिए, पर इसके बाद भी उनका जो हमारे प्रति रवैया है वो जैसा होना चाहिए वैसा सकारात्मक नहीं है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम नवीन जैन। किन समस्याओं को लेकर आज आप धरने पर बैठे हैं? जी, हम फीस की समस्याओं को लेकर और ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। हमें फीस में बहुत ज्यादा कटौती चाहिए। एक्चुअली इन्होंने 10% बढ़ा के और 15% कम कर दिए। उस 5% से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। एक्चुअली कम से कम 75% हमें फीस कम करवानी है। अच्छा। इस धरने पे इसीलिए हम लोग बैठे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई बंद होनी चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चा नहीं पढ़ता है बल्कि डिस्टर्ब होता है, उसको ज्यादा मोबाइल की आदत लग जाती है। अच्छा। कि उस बहाने से लेता है कि मम्मा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ मोबाइल दो, और अदरवाइज वो और फंक्शन खोल के बैठता है। इस उससे हमें ऑनलाइन पढ़ाई बंद चाहिए और फीस में 75% कटौती करें। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? मेरा बच्चा 2nd में पढ़ता है और एक गुड़िया 12th में पढ़ती है। अपना नाम बता जी। किरण गंगवाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।